नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा का, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर। आज का पेपर है 12 फरवरी का 2024 वाला। आंसर आपको बताने वाला हूं, तो अपने अपने आंसर के यहां पे मिलान कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 नंबर है, तो 80 नंबर में दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पे 36 नंबर क्या चाहिए, 100 में से पास होने के लिए चाहिए। 20 नंबर आपके वैसे आएंगे, 16 नंबर आपको पेपर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रिंटेड पेज 8 है, 3 घंटे का पेपर हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सह ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो इसका क्या होगा, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा आता है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन मांग के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण आधारित है, तो तीसरे में आएगा दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन गणनवाचक उपयोगिता पर। नेक्स्ट आता है फोर कीमत अनुपात पीएक्स और पीवाई का ढाल सूचित करता है, तो फोर क्वेश्चन में आएगा दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन बजट रेखा। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता 0 होते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी होती है, 5 नंबर में आएगा सी ऑप्शन स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर श्रम उदाहरण है, तो 6 में आएगा बे ऑप्शन परिवर्तनशील साधन का। नेक्स्ट आता है उचित विकल्प बताना होगा यहाँ पे, लाभ कौन सा होगा यहाँ पे 9 यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आएगा ए ऑप्शन आयाम माइनस लागत। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश में भी सेम आंसर ही आपके रहने वाला है। पहले में सी ऑप्शन आने वाला है, उसके बाद में जो दूसरा है उसमें बे ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आता है तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में ए ऑप्शन आने वाला है, इसमें ए ऑप्शन होगा। चौथे में भी ए ऑप्शन होगा, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 6 नंबर, 6 नंबर में बी ऑप्शन रहेगा, 7 में ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की क्या करनी होगी, पूर्ति करनी होगी। पहला क्वेश्चन है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है, दोस्तों यहाँ पे घटती है, बिल्कुल राइट आंसर है इसकी आएगा घटती है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, पूर्ति के लॉस वस्तु की इसमें क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, दूसरे में आएगा कीमत, कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणवाचक संगत संबंध बताती है, तो इसमें आएगा कीमत। नेक्स्ट आता है तीसरा, का आशय संतुलन की स्थिति से है, फर्म के साम्य का आशय। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आता है उत्पादन के प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं, इसका आएगा औसत लागत। नेक्स्ट आता है औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो किसके होता है, यू आकार का होता है। और उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत कितनी होती है, दोस्तों यहाँ पे सभी कारक कीमत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम रहने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सही जोड़ यहाँ पे बनाना होगा। तो पहला क्वेश्चन आता है साधन की मांग, तो इसमें आएगा व्युत्पन्न मांग, यानी आपका ये पहला मिलने वाला है इसके अंदर 6 के अंदर। दूसरा है एनएनपी मिलेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो यहाँ पे मिलेगा आपका जो लास्ट मिलेगा ये वाला, इसमें मिलेगा उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग, उत्पादन द्वारा यंत्रों को मध्यवर्ती वस्तु आएगा 3 नंबर इसमें मिलेगा 4 नंबर के अंदर। ठीक है, और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग बचत, इसमें आएगा दोस्तों आपके अंतिम वस्तु आपको यहाँ पे सामने देखने के लिए मिलेंगे 3 नंबर पे। भारतीय अर्थव्यवस्था उपयोग बचत का भी एक और है, बचत यहाँ पे दे रहे, बचत आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बचत का आपका 2 नंबर पर रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित कहाँ पे मिलेगा आपको, ये वाला 5 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको मिलान करना होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ही रहने वाले हैं, मिलान कर सकते हैं हिंदी को देखकर ही। 4 नंबर क्वेश्चन आता है सत्य और असत्य बताना होगा, तो 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, दोस्तों क्या है, बिल्कुल ये सत्य है, सही है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये भी सही है। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, ये क्या आपका गलत है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य का मापन बहुत कठिन होता है, सही है। और बचत और विनिमय सदैव बराबर होते हैं, गलत है। गुणक सीमांत उपयोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में 0 बेरोजगारी है, ये भी सही है। ट्रू और फाल्स भी ऐसे ही करेंगे, आपका पहला ट्रू रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा फाल्स रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पाँचवा फाल्स रहेगा, छठा ट्रू रहेगा, और सातवां भी ट्रू रहने वाला है।
और उसके बाद में आता है यहाँ पे एक शब्द में यानी कि एक वाक्य में उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं, तो इसका आएगा बचत फलन, पांचवे का पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा है औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक होता है। नेक्स्ट आता है उस कार का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, तो इसमें आएगा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चार नंबर, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो की जाती है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व, ठीक है, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व। नेक्स्ट आता है पांच नंबर क्वेश्चन में पूछा प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो इसमें आएगा आगाम माइनस लागत, आगाम माइनस लागत। और सिक्स नंबर पूछा है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे को शामिल किया जाता है, दृश्य और अदृश्य को। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है छः नंबर क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट से यहाँ पे छः नंबर क्वेश्चन में पूछा है मांग की का अर्थ क्या होगा, और अथवा के अंदर पूछा है मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होगा। दोस्तों ये आपके बड़े क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के कोई दो साधन बताना होगा, हासमान पैमाने का प्रतिफल का कार्य लिखे। आठ नंबर क्वेश्चन आता है संप्राप्ति का अर्थ लिखे, सामान्य लाभ का अर्थ बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखे और आर्थिक एजेंट को बारे में समझाना होगा। ये सारे सारे दो दो नंबर क्वेश्चन है, उपभोग वस्तुओं के बारे में समझाएंगे, अथवा के अंदर है पूंजीगत वस्तुओं को समझाना है, मुद्रा की मांग का क्या अर्थ है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए। और उसके बाद में आता है बारह नंबर विमुद्रीकरण को समझाना है, सट्टा उद्देश्य के बारे में समझाइए, बहुत ईजी पेपर है। समग्र क्या मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एन की एमपीएस का अर्थ क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ बताना है, सरकारी बजट का अर्थ बताइए, राजस्व व्यय का अर्थ बताइए, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे दोस्तों अथवा में भी पूछा गया है कि फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे प्रभावी मांग क्या है, मितव्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक अर्थ बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा होता है, क्यों होता है, विनिमय दर के निर्धारण की कोई तीन बिंदु। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा एक वस्तु की मांग पर विचार करें, ₹4 की कीमत पर उस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है, मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़कर ₹5 हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप मांग की जो वस्तु की मांग है वो घटकर 20 इकाई हो जाती है, तो कीमत लोच की गणना करना होगा। अथवा के अंदर है एक ऐसे बाजार को लीजिए जहाँ केवल दो उपभोक्ता, यानी मान लीजिए कि वस्तु की मांग की इस प्रकार दी गई है, वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना करेंगे। उसके बाद 21 नंबर आता है मान लीजिए कि एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो फलन दे रखा है और इसका जो है वो सवाल इसका पूरा हल करना होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और दोस्तों इसके अंदर अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद में आता है 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका 4 नंबर का है, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए और लाभ अधिकमीकरण किसे कहते हैं, इसकी 3 शर्त बताना है। लास्ट क्वेश्चन है मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों के नाम लिखे और भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसका भी पेपर हो चुका है मिलान कर लेना और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।